फ्रेंड्स, देखिए आज मैं आपको ये नए डिज़ाइन का डोरमैट बनाना सिखाऊंगी। देखिए, देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। इसे किस प्रकार से बनाना है वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है? इसे किस प्रकार से हम बनाएंगे वो देखिए। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने इसमें 16 फंदे लिए हैं। इसमें 16 फंदों को मैंने लिया है। उसके बाद देखिए अब हम क्या करेंगे, ये जो पूरी सिलाई है वो हमें, जैसे हम उल्टी सिलाई बिनते हैं उसी प्रकार से इसको पूरी बिन देना है। देखिए कैसे, देखिए इस प्रकार से हमें इस पूरी सिलाई को कंप्लीट करना है। ये पूरी सिलाई बिनते हुए फ्रेंड्स, जो एंड का फंदा है ये वाला, देखिए इस फंदे को हमें नहीं बिनना है। यहाँ पर क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम इस पूरी सिलाई को कंप्लीट करेंगे। देखिए ये मैं इसे एंड तक बिनकर ले आई हूँ। देखिए अभी एक फंदा बचा, इसे हमें क्या करना है, यहाँ पर ही छोड़ देना है। और जो एक कपड़ा है इसको अब दूसरी तरफ कर लेना है। देखिए इसको छोड़ देना है, कपड़ा दूसरी तरफ करके हम फिर से इसे, जैसे उल्टी सिलाई बिनते हैं उसी प्रकार से इसे फिर से बिनेंगे। ये देखिए, और इसी प्रकार से ये जो दूसरी सिलाई हमारी है उसको भी हम कंप्लीट करेंगे। ये देखिए इस प्रकार से इस दूसरी सिलाई को कंप्लीट करते हुए हमें लाना है यहाँ तक, ठीक है? देखिए फ्रेंड्स, मैंने दूसरी सिलाई, जो हमारी सिलाई है उसको भी कंप्लीट कर लिया है। और यहाँ पर आकर जो ये फंदा है इसकी क्या, हम साइड में डिज़ाइन बनाएंगे तो अच्छी लगेगी, इसलिए मैं क्या करती हूँ हर बार इस एक फंदे को छोड़ देती हूँ और इस प्रकार से दूसरी साइड आकर इसे बिन देती हूँ। देखिए इस प्रकार से दूसरी साइड आकर मैं इसे बुन देती हूँ। ये देखिए इस साइड हमें हमेशा यही करना है, एक फंदा जो हम एक सिलाई जब दूसरी साइड से आएंगे तो जब आएंगे तो इसको क्या करेंगे, हम उतार देंगे और दूसरी साइड से फिर इसे बिनेंगे। तो देखिए इस साइड में फ्रेंड्स बहुत अच्छी डिजाइन सी आती है, इसलिए मैं ऐसा करती हूँ। अब हम क्या करेंगे, दूसरी सिलाई हमारी जो है उसको बनाएंगे। और दूसरी सिलाई जब बनाएंगे तो एंड पर आकर जहाँ हमने एक फंदा छोड़ा था ये यहाँ पर, अब यहाँ पर हम दो फंदा छोड़ेंगे, ठीक है फ्रेंड्स? यहाँ पर पहले एक फंदा छोड़ा फिर दो छोड़ेंगे, मैं अभी आपको बताती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अब मैंने पहले जो एक फंदा छोड़ा था अब मैंने यहाँ पर दो फंदे छोड़ दिए और इस प्रकार से कपड़े को दूसरी साइड कर लिया है। देखिए अब दो फंदों को छोड़कर हमें फिर से क्या करना है, इसे बिनना शुरू कर देना है। इस प्रकार से इसे बुनना है, देखिए, और इस प्रकार से इस पूरी लाइन को भी हम कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता देती हूँ ऐसा हमें कब तक करना है। हम इसमें क्या अलग अलग कलर का यूज़ करेंगे, देखिए जैसा कि मैंने इस डोरमेट में यूज़ किए हैं। देखिए इसमें भी मैंने ये जो पूरी एक बॉक्स है इस प्रकार से ये बनेगा, इसमें जो मैंने कलर लिए हैं वो अलग अलग लिए हैं, वैसा ही मैं इसे भी बनाऊँगी। देखिए अब इसमें हम क्या करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। इस हम क्या करेंगे, जो मैं इस साइड में फंदे छोड़ रही हूँ, जैसे मैंने पहले एक छोड़ा था फिर दो फिर तीन छोड़ूंगी फिर चार, इस प्रकार से मैं क्या करूँगी, यहाँ पर हर सिलाई में एक एक फंदा छोड़ती जाऊँगी। जब ये चार फंदे हो जाएंगे तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, दूसरा कलर लगाऊँगी। इस प्रकार से हम इसे बनाएंगे। देखिए मैं जब यहाँ तक चार कंप्लीट कर लेती हूँ तब आपको बताती हूँ क्या करना है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे इस प्रकार से बना लिया। देखिए चार फंदों को मैंने इसमें छोड़ दिया है और यहाँ पर अब हमें क्या करना है, चार फंदे छोड़ने के बाद अब मैं क्या करूँगी, जो मेरा ये कपड़ा है उसको यहाँ लूँगी और यहाँ से फिर मुझे क्या करना है, अब कलर चेंज करना है। देखिए यहाँ पर मैं कलर चेंज करूँगी। अब मैं आपको ये भी बता देती हूँ साथ साथ में कि इसे दूसरे कपड़े को हम इसमें कैसे जोड़ते हैं। देखिए ये मैंने जो कपड़ा है इसे तिरछा काटा है, ये देखिए, और जो दूसरा कपड़ा है उसको इसके अंदर इस प्रकार से डालकर,
अब हम इसको पूरी सिलाई को फिर से बुनेंगे। देखिए इस प्रकार से पूरी सिलाई हमें बुननी है। ये देखिए इसे हम इस प्रकार से बुनकर ले जाएंगे। इसी प्रकार से हमें इसे कंप्लीट करना है। और यहाँ पर मैंने आपको पहले भी कहा था, हमेशा ये ध्यान रखें एक फंदा छोड़कर उसे दूसरी साइड से बुने, तो इससे ये देखिए लुक जो होता है बहुत अच्छा आता है, इसलिए मैं हमेशा ऐसा ही करती हूँ। अब क्या करेंगे, हम फिर से इसे यहाँ पर लेकर आएंगे और फिर से ये दूसरे कलर से भी हमको क्या करना है, एक एक फंदे फिर से छोड़ते जाना है। देखिए यहाँ जब मैं लेकर आऊँगी तब आपको बताती हूँ कि यहाँ पर हम क्या करेंगे। देखिए यहाँ पर मैं इसे ले आई फिर से। अब देखिए चार फंदे तो हमने पहले ही छोड़े थे, अब पाँच, जो ये पाँचवा फंदा है इसे भी हम इस प्रकार से यहाँ पर छोड़ देंगे और फिर से इसे बुनना, दूसरी साइड धागा करके फिर से इसे बुनना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए अब मैं फिर से इसे बुनूंगी। और फ्रेंड्स इसका ध्यान रखें, आप क्या करना है, अब मुझे फिर से इस कलर के चार जो फंदे हैं वो फिर से इसी प्रकार से छोड़ते हुए आना है। जब मैं ये चार फंदे छोड़ लेती हूँ फिर आपको बताती हूँ दूसरा कलर हम यहाँ पर कैसे लगाएंगे और हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड्स मैं इस प्रकार से इसे फिर से यहाँ पर चार फंदों को छोड़कर फिर से इसे यहाँ ले आई। अब हम क्या करेंगे, फिर से इसमें कलर चेंज करेंगे। मैं इसमें फिर से कलर चेंज करूँगी और फिर से हमें क्या करना है, वही करना है, फिर से हमें चार चार फंदों को एक एक फंदा करके चार फंदों को छोड़ना है। ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार से करके मैं फिर से इसे यहाँ पर लाकर फिर कलर चेंज करूँगी। आप जैसे चाहें वैसे इसे बना सकते हैं। मैं इसे चार कलर का बना रही हूँ तो मैं चार चार फंदों को, क्योंकि इसमें मैंने 16 फंदे डाले हैं इसलिए मैं चार चार फंदों को छोड़ रही हूँ। आप चाहें इसे दो कलर का, तीन कलर का, चार कलर का, जैसे बनाना चाहें बना सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये यहाँ पर लाकर मैं आपको फिर से बताऊँगी कि आगे क्या करेंगे हम। देखिए मैंने इसको भी इस प्रकार से चार एक एक करके चार फंदों को छोड़ा है और फिर से यहाँ पर मैं कलर चेंज कर रही हूँ। अब जो ये चार फंदे रह गए उन्हें भी हमें इसी प्रकार से एक एक करके छोड़ना है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एक करके इन चार फंदों को भी छोड़ेंगे। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स मैं इसे इस प्रकार से फिर से क्या क्या कलर चेंज किया था उसके बाद में मैंने इन्हें छोड़कर इस प्रकार से लास्ट जो हमारी सिलाई है उसमें क्या होगा, इसमें हमें हमारे तीन ही फंदे छूटेंगे। ये वाला जो फंदा है इसे तो हम बिनकर और उतारते हैं, हमेशा हमें वैसा ही करना है। अब देखिए जब ये पूरा कंप्लीट हो जाए, यानी जो फंदे हैं वो सारे इस प्रकार से छूट जाएं, तब हम क्या करेंगे, अब फिर से हमें क्या करना है, इन फंदों को एक एक कर कर बिनना है। जिस प्रकार हम उतार रहे थे वैसे ही अब एक एक कर कर इनको बिनेंगे। ये देखिए ये इस प्रकार से मैंने पहले एक फंदा बिन दिया, फिर दो बिन दिए, फिर अब हम अब की बार आएंगे तो कितने बिनेंगे, तीन फंदे बिनेंगे। ये देखिए तीसरा मैं बुन रही हूँ। फिर से हम कपड़े को इस साइड लाना है और फिर से अब हम चौथा फंदा बुनेंगे। ये देखिए इस प्रकार से इसे करेंगे। अब फिर हम क्या करेंगे, अभी मैंने कितने बिने, तीन फंदा बिने, अब हम चार बिनेंगे। ये देखिए अब चार फंदा बिनने के बाद हम क्या करेंगे, ये चार जो फंदा मैंने बिन लिए इसके बाद हम क्या करेंगे, अब ये वाला जो कलर है दूसरा वो हम यहाँ पर जोड़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इस कलर को अब मैं जोड़ती हूँ। देखिए फ्रेंड्स अब मैं क्या करूँगी, मैंने ये इस प्रकार से जो चार फंदे थे उनको दूसरे कलर से बिन लिया। अब ये पांचवा फंदा है मैं इसको बिनूंगी और फिर से सिलाई इधर ले आऊँगी। देखिए मोड़ कर सिलाई को और फिर से दूसरी साइड से बिनना शुरू कर दूँगी। आपको बस फ्रेंड्स यही ध्यान रखना है कि जहाँ पर कलर चेंज हो रहा है वहाँ पर हमें क्या करना है, उल्टी साइड आकर कलर चेंज करना है, हमेशा यही करना है हमें। ठीक है, उल्टी साइड आकर हमें कलर चेंज करना। अब आप ये कहेंगे कलर हम कहाँ पर चेंज करें, तो मैं आपको वो भी बता देती हूँ कलर कहाँ चेंज होगा। जब आपका जो ये फंदे हैं ये इस प्रकार से जब ये पूरे बिन जाएं और फिर आपको जो दूसरा कलर है वो यहाँ पर आकर ही जब इसे आप बिन लेंगे उसके बाद यहीं से
आपको दूसरा कलर लगा देना है, और उसी प्रकार यहाँ करना है। जब आप इसे बिन लेंगे, यहाँ पर आ जाएं, उसके बाद फिर से ये कलर लगाना है। इस प्रकार से हम इसको पूरा कंप्लीट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने फिर से जब ये चार अपने कंप्लीट कर लिए, तो उसके बाद फिर से मैंने कलर चेंज कर दिया। अब इस कलर से हम यहाँ तक इसे बुनेंगे, उसके बाद में फिर जो हमारे चार फंदे रह जाएंगे उनको फिर से हम इस कलर से बुनेंगे, और इस प्रकार से ये पूरा जो है कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, अब मेरे फिर से यहाँ पर चार फंदे रह गए, तो मैंने फिर से यहाँ पर ये कलर चेंज कर दिया। और इसी प्रकार इसको क्या करना है, अब एक एक करके इसको पूरा बुनेंगे। जब यहाँ आएंगे तब मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। पहले एक बुनेंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। इस प्रकार से यहाँ आ जाएंगे तब बताती हूँ फिर आगे आपको क्या करना है। यहाँ तक पहले हम इसे कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे इस प्रकार से बना दिया। ये जो लास्ट का फंदा है, इसमें इसे हमेशा हमें बुनना ही नहीं है। और इसके बाद फिर क्या करना है, मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि हर सिलाई जैसे जैसे हम इस साइड आते जाएंगे, उसे एक, दो, तीन, चार, फिर हम कलर चेंज करेंगे, फिर चार बुनेंगे, फिर कलर चेंज करेंगे, फिर चार बुनेंगे, फिर कलर चेंज करेंगे। इस प्रकार से इसे बनाना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इसका एक पार्ट है, मैंने जो ये बनाया है ये एक पार्ट है। ऐसे ही हमें चार पार्ट बनाने हैं, तब ये हमारा जो डोरमेट है वो इस प्रकार से कंप्लीट होगा। देखिए इस प्रकार से ये सब कंप्लीट होगा। देखिए इसमें मैंने मेरे चार पार्ट हैं, देखिए एक, दो, तीन और चार। इस प्रकार से ये चार पार्ट इसमें भी हैं। अब क्या करना है, जब हम एक एक पार्ट जो इसका है बनाकर लाएंगे चार, तो एक जगह देखिए यहाँ पर आकर इसे सुई से मैंने सिल दिया है। इस प्रकार से इसे सुई से सिल देना। इस प्रकार से पूरा जो डोरमेट है वो कंप्लीट हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपको ये कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।